आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है उसमें लॉक स्क्रीन जो वॉलपेपर हैं ये देख सकते हैं इस तरीके से ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। इस सेटिंग को आप ऑफ़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, इस सेटिंग को आप बिल्कुल ऑफ़ करना चाहते हैं। देखो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बैटरी ज़्यादा खाता है ये, ठीक है, और आप इसे हटाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को, यानी कि लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की सेटिंग को ऑफ़ करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक खोल लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग में आ जाएंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो वॉलपेपर एंड स्टाइल ये देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन डिस्प्ले और थीम्स के जस्ट बीच में होगा। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वॉलपेपर माई ब्राउज माई वॉलपेपर, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आप इसे ऊपर की तरफ कर देंगे ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वॉलपेपर सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉन का, ये देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने ये देखो अप्लाई कर दिया, अब यहाँ से मैं बैक चला आया, अब मैं पावर वाला बटन दबाता हूँ, अब देखता हूँ चेंज हो तो अब तो नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये देखो ऑफ़ कर दिया हमने, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऑफ़ मैंने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इस सेटिंग को आप डिसेबल या कहें तो ऑफ़ कर सकते हैं।